की पता क्या है? तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब स्टार्टिंग में तुमने क्लिप देखी ना भाई, ऐसे बंदे तुमको आज भर भर के मिलने वाले हैं जिनके हम बैंड बजाने वाले। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये गेम प्ले उतना भी इजी नहीं था, क्योंकि तुम भुक्की को बस नॉक होते हुए देखोगे भाई। हम घेर के मारे गए थे पता चारों तरफ से, लेकिन उसके बाद भी जो हमने तबाही मचाई है ना, तुम भाई देखते रहना, गेम प्ले देख के तुमको मजा आ जाएगा। और भाई फिलहाल ये बताओ, तुम में से मैच कौन देख रहा है भाई? ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया भाई? अफगानिस्तान ने छींचा लेदर मचा रखी है भाई, 6 विकेट गिर गए 87 पे। क्या देख रहा हूँ मैं भाई, इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना, कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। मतलब इतना ज़्यादा मैंने अंडर गॉड्स अंडर डॉग्स तुमको जो बोलना बोलो, उनको तबाही मचाते नहीं देखा। मतलब अगर तुम देखो, नीदरलैंड से 2 मैच जीते, अफगानिस्तान कितने 4-5 मैच जीत चुका है भाई। मतलब क्या ही बताओ भाई, वहीं पर इंग्लैंड नीचे पड़ी हुई है, श्रीलंका छोड़ो भाई, टाइम आउट क्या ही चल रहा है भाई, श्रीलंका बांग्लादेश निकल गया हुआ। पर मुझे पता है तुम लोग गुस्सा हो रहे हो, तुम लोग को लग रहा होगा धीरे धीरे चैनल क्रिकेट वाला होता जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मेरे सामने मैच चल रहा है तो जबान से निकल आती है। तुम लोग मेरे को बताना, तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं इस बार का वर्ल्ड कप देखने में? भाई मैं तो फुल हाय 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 जो फूक के मजे ले रहा हूँ ना, पूछो मत। वेल देखो, यहाँ पर हमने एक स्क्वाड को पूरी तरीके से वाइप कर दिया था, लेकिन इनका एक बंदा बच रहा था, पता नहीं क्यों ही बचने की कोशिश कर रहा था यार, छोड़ेंगे थोड़ी ना इसे। तो मैंने इसको बहुत ही आराम से धर लिया, लेकिन भाई जिधर हम थे ना, उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर में भयानक फायरिंग हो रही थी, भयानक। मतलब हम जब तक वहाँ पहुँचते ना, काफ़ी सारे बंदे डेड हो चुके थे, नॉक हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए भाई बहुत सारे किल्स इधर हैं। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारा भाई एक लाइन से सबको बराबर से सूतेगा बिना किसी भेदभाव के। अब वैसे तुम लोग एक चीज के साथ भेदभाव करते हो जो मेरे को पसंद नहीं है, और वो चीज ये है कि तुम भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भूल जाते हो भाई, प्लीज कर लिया करो यार। जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना भाई, अगर तुम मेरी वीडियोस को लाइक करोगे तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और तुमको पता है मेरे लगे पड़े, तो तुम अगर लाइक कर लोगे तो क्या पता तुम्हारे भाई के अच्छे दिन शुरू हो जाए। अब देखो, यहाँ पर मेरे अच्छे दिन आगे आ जाएंगे, लेकिन गेम प्ले भाई तबाही। तुम देख सकते हो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस मैं नॉक कर रहा हूँ। अब देखो, यहां से मैं जा ही रहा था, लेकिन तभी मेरे तरफ एक बगी आई। क्या सोच क्या था ये? वेल पता नहीं किससे पिट के आ रहा था, एक हेडशॉट लगा भाई, लव लेट हो गया उधर ही। तभी मेरा ध्यान गया बगी पे, भाई साहब के ऊपर प्लस बन के आ रहा था, तो मतलब किसी ने इनकी लगा दी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बुग्गी को बचाने जाना है, लेकिन वो बंदे बहुत यूनिक पीस थे भाई। मतलब तुमको मैं क्या बताऊँ, वो बुग्गी को घेर के बैठ गए, उनको पता था मैं रिवाइव करने तो आऊँगा ही, और जब रिवाइव करने आऊँगा तब वो मेरे को धरेंगे। तुम देख सकते हो बुग्गी कितनी गंदी जगह नॉक है, एक पतली सी दीवार है, मेरे नीचे बंदे हैं जो खिड़की से वहाँ देख सकते हैं, प्लस बुग्गी के पीछे बंदे। तो अगर यहाँ पर मैं बुग्गी को रिवाइव देता हूँ ना, तो भाई मेरे से अच्छा टीममेट तुमको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी जगह कोई और होता ना तो साफ बोलता भाई तू बच नहीं पाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 स्मोक करे, बुग्गी के ऊपर नहीं करे वरना उनको पता लग जाता मैं रिवाइव करने जा रहा हूँ। मैंने विंडो पे करे ताकि उनको ये ना पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब तुम देख सकते हो मैं डैश मार के बुग्गी के पास आ गया, लेकिन ये जगह कितनी गंदी है ये यहाँ मुझे आके पता चला। मैंने कहा तू मेरे को यहाँ बुला रहा है रिवाइव करने के लिए, तू दीवार देख भाई, क्या तिरछी सी दीवार है, मर जाऊंगा मैं इधर। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि बुग्गी भैया को रिवाइव मिल गया, और जैसे ही रिवाइव मिला भाई मैं पक गया उधर से। अब अगर ये बंदा तुमको बॉट लग रहा है ना, तो पहले नाम पढ़ो, और नाम पढ़ने के बाद भी अगर तुमको ये बॉट लग रहा है तो बस वेट करो, अब ये फिर आएगा। तो मैंने उसको फिनिश कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, जब इसके पास लाइफ बची हुई थी तो इतनी दूर क्यों उतरा था? इवेंट वाली एरिया पे उतरता, थोड़ा सा लूट बढ़िया मिलता, मेरे को किल ज्यादा अच्छे से मिलता, मतलब अच्छा लगता है दूर के बंदे को टैप टैप करके मार दो, लेकिन क्लोज की फाइट का अलग ही मजा है। वेल देखो, बात यहाँ पर क्लोज की हो रही है, और हमारे क्लोज बंदे हैं। जो सामने कंटेनर दिख रहा है ना, अब यार वो कंटेनर है, बस है, ट्रक है, जो भी है, तुम समझते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जिधर मैं ग्रेनेड डाल रहा हूँ वहाँ पर एक बंदा है, और वो बंदा भी जानता है हम यहाँ है। तुम देख सकते हो हमारे पर मॉली डाल चुका है, ग्रेनेड डाल चुका है, तो कुल मिला के हमारे खून का प्यासा है और हम उसके खून के प्यासे हैं। देखते हैं कौन किस खून पीता है। अब मैं डैश मार के गया और भाई को धर लिया, कुल मिला के मैं बड़ा मच्छर था इधर। अब इसका टीममेट थोड़ा सा कंफ्यूज था, मेरे को गया, मेरे को तो नॉक मिल गया, मैं खुश।
अब देखो यहाँ पर मैंने फटाफट से फिनिश करे क्योंकि भैया देखो अपने किल्स कभी छोड़ने का नहीं ज्यादा देर तक। अब मेरे 14 किल हो चुके थे और उसके बाद यहाँ पर हमको बंदे नहीं मिले, मतलब बंदे थे लेकिन वो भग गए, हमारे हाथ नहीं लगे। तो हम एक बग्गी उठा के जानते हो कहाँ पर है, पूछेंगे। और ये बग्गी वही है जिसको मैंने चलती गाड़ी से उतारा था। अब हमको उम्मीद नहीं थी कि मतलब क्या बोलते हैं इस जगह को यार, पूछेंगे में बंदे होंगे, लेकिन भाई उन्होंने खुद फायर करा, हमको बुलाया। अब भाई सामने से दावत आएगी तो खाना खाने से जाएगा सारा भाई। अब आते एक नौकरा और इसका टीममेट भाई साहब घुसा हुआ था एक बिल्डिंग के अंदर जिसको मैंने स्पॉट कर लिया। अब तुम यहाँ देखो भाई एबिलिटी की पावर, बुगी ने एबिलिटी यूज़ करी और सीधा गया उस घर की छत के ऊपर। अब बुगी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मुझे लगा नहीं था मेरे को किल मिल पाएगा, लेकिन लकी हेडशॉट कनेक्ट हुआ और मुझे किल मिल गया। अब यहाँ पर भाई मेरे 16 किल हो चुके थे, मैं काफ़ी खुश था, लेकिन अब बारी थी यहाँ से निकलने की क्योंकि और बंदे यहाँ पर नहीं थे, ऐसा मुझे लगा था। जब मैं चर्च में थोड़ा लूट उट करके निकल रहा था तो भी भाई स्क्वाड उस पर हुआ स्मोक। और वो तुमको बंदा याद है ना जिसको मैंने बहुत दूर मारा था, जिसको तुम लोग बॉट समझ रहे थे, अब उसकी होगी एंट्री। तुम अब बस ध्यान से देखो यहाँ होगा क्या मेरे साथ। अब सबसे पहले मैं घर की छत पे आ गया, मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ जिसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया। तभी मेरे को छत पे एक बंदा आता हुआ दिखाई दिया, मैंने बुगी से बोला भाई छत पे बंदा है ध्यान से। उसने हमारे ऊपर पता नहीं कुछ तो फेंका था बट वो हम तक पहुंचा नहीं, बट हमारा ग्रेनेड वहां तक गया जिससे वो बच गया। तो मैंने निकाला मॉली और तुमको पता है मेरा मॉली जाता है तो खबर आता है, और यहाँ पर भी वही हुआ, ये नॉक हो गया। अब मैंने बुगी को छत पे भेजा ये देखने के लिए कि वहाँ पर और बंदे हैं क्या। बुगी वहाँ गया, उसे कोई फुटस्टेप वगैरह नहीं आया, तो बुगी ने बोला शायद ये अकेला था, और ये वही बंदा था जो हमको पहले भी अकेला मिला था, तो मैं मान गया कि हाँ अब स्क्वाड में कोई नहीं है। लेकिन भाई तुम देखो मैं ओपन में गधों की तरह डैश मारता हुआ जा रहा हूँ, जब मैं पहुंचा स्क्वाड हाउस में भाई मेरे को फुटस्टेप्स आए, मैं कहा बुगी क्या कर रहे तू। वेल मैंने किस तरीके से इसको नॉक करा, और दूसरा था भाई साहब पैनिक रूम में। अब तुमको तो पता ही हम क्या करेंगे इसके साथ। ये इतना बिजी है ना बुगी पे, इसने ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर बिल्कुल भी, ऐसा नहीं था कि अवेयर नहीं था भाई। उसने जैसे ही मैं अंदर कूदा ना पलट के देखा, इसको डाउट था, बट भाई अगर इसने पहले चेक करा होता ना भाई उधर मेरी पेट्टी बनी होती, गेम प्ले तो गया था। वेल जो भी हो उसके बाद हम गाड़ी लेके निकले ही थे और भाई हद खत्म है, पूछिंग की में बंदे आ गए। अब वो एक मेरे को बग्गी स्पॉट हुई थी, बग्गी के बाद मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ, तो मैं यहीं पर रुक गया। ओ गंदी सुताई हुई है, हेल्थ मेरी लो है, और भाई अब यहाँ से शुरू होता है हमारा बुरा वक्त। हमारे चारों तरफ बंदे आ गए हैं वो भी AWM लेके। अब मैंने एक नॉक निकाला बट दूसरे वाले ने मेरे को पीक नहीं दी, उसके तरफ से ये काफी अच्छा डिसीजन था क्योंकि अगर उसने पीक दी होती तो मैं धर लेता। अब मैंने सोचा कि हेल्थ लगा लेता हूँ फिर डबल डैश मार के पुश कर दूंगा, लेकिन यहीं पर गलत फहमी का शिकार हो गया, मेरा अंदाजा गलत हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर म्यूटेंट गॉन्टलेट होता तो मैं पहुंच जाता, बट भाई ब्लेड्स नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक, मैं थोड़ा आगे गिर गया था, लेकिन लकली उनकी इतनी फटी पड़ी थी कि उन्होंने पीक ही नहीं लिया मेरे पे, तो मैंने एक मॉली डाला जो कि ऑफ कोर्स खाली चला गया। अब मैंने एक नॉक निकाला जिसको फिनिश कर दिया। अब इनका एक और बंदा था जो यहीं पर ही छुपा हुआ था, उसकी बारी थी। ओ भाई ये भी नॉक हुआ है, मतलब इसके और बंदे भी यहां हो सकते हैं। और तभी भाई मेरे को कुछ गड़बड़ लगा, मैंने कहा यार स्क्वाड हाउस में मामला ठीक नहीं, वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है क्योंकि जिनको हमने वहां मारा तो उनकी गाड़ी लेके मार गए थे। तभी मेरे को एक बंदा उतरता हुआ दिखाई दिया और फिर चली डीपी पहाड़ी पे से, पोचिंग की में से चली M4। मैं कंफ्यूज कि भैया किधर किधर बंदे हैं। वेल जो भी हो बुगी को बचाना था तो मैं आया उसे बचाने के लिए।
अब जैसे मैंने बोगी को बचाया तभी इसकी एक और AWM पड़ी और ये फिर नॉक हो गया। भाई अंदर तक नहीं आ पाए थे हम। अब जो भी हो मैंने बोगी को फिर से रिवाइव दिया और थोड़ी बहुत फाइटिंग करी। बोगी अलग ही बिजी था। पड़ा एक AWM का फटका और भाई हो गया नॉक। तभी आया पुश। अब मुझे लगा था AWM वाले ने पुश करा है लेकिन मैं गलत था। AWM वाला छुपा हुआ है भाई। अब इधर मैं थोड़ा सा पैनिक कर रहा था बिकॉज हमारे चारों तरफ बंदे थे। स्क्वाडोस पे बंदे थे, चर्च पे बंदे थे, दूर वाले स्क्वाडोस पे बंदे थे और हमारे पीछे ट्रिपल स्टोरी उस पे बंदे था और हमारे नीचे तो बंदा था ही। तो चारों तरफ बंदे थे, दो दो स्नाइपर थे और उनकी फट रही थी छत पे यार। अब देखो ये बंदा हमारी पद्धी करा रहा था, हमारे नीचे बैठा हुआ था और ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा था। तो यार कुछ तो करना था भाई, तो मैं नीचे कूदा। ओ भाई 50 HP, मरने वाला था मैं लेकिन मेरे को मौका मिला, मैंने इसको नॉक कर दिया। तभी ट्रिपल स्टोरी पे एक बंदा था जिसको मैंने बहुत ठोकरा, हेडशॉट मारा, बट उसकी एक गोली काफी थी मुझे नॉक करने के लिए। वेल जो भी हो यहां हमने सिचुएशन तो संभाल ली थी लेकिन जोन में जाना था और तभी गाड़ी आई। अब ये गाड़ी नहीं सर्फ बोर्ड था जिस पे छुपी बंदा था, उसको मैंने नॉक कर दिया। फिर मैंने अपना सर्फ बोर्ड निकाला और मुझे पता था ये कछुआ मेरे को मरवा देगा, लेकिन किसी तरीके से मैं जोन में पहुंच गया और जिस बंदे को मैंने नॉक करा था वो जोन से ही फिनिश हो गया। हमने ठिकाना बनाया गटका को क्योंकि कैंपिंग के लिए गटका बेस्ट जगह है। लेकिन ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं थे। यहाँ पर भाई साहब आ गई एक मिराडो। मेरे ने कहा बुग्गी भाई देखो 4 किल आए हैं, मैं लूंगा सारे के सारे किल, मुझे चाहिए भाई साहब गेम प्ले वो भी 30 किल वाला। अब देखो बुग्गी के सामने कोई तो लेटा हुआ था और बुग्गी उसको मार नहीं रहा था, वो सिर्फ ट्रोल कर रहा था AWM से और यहाँ मैं ट्रोल कर रहा था इस बंदे को ग्रेनेड से। मैंने एक नॉक निकाल दिया था, अब मुझे पता था दूसरा वाला करेगा पैनिक, लेकिन भाई वो तो भाग गया। अब मुझे एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि वो पीक देगा, सच बता रहा हूँ कोई चांस ही नहीं था पीक देने का। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसको शायद लगा होगा मैं एबिलिटी मार के उसके पास आ जाएंगे। वो भागा। क्यों भागा भाई तू, एबिलिटी मार के भी हम पास में आते तो मार सकता था हमको भाई, पता नहीं क्या था। वेल जो भी हो हम गाड़ी लेके यहाँ से निकलने वाले, लेकिन तभी हमको एक गाड़ी स्पॉट हो गई। अब तो इसके हम गाड़ी लगा देंगे। अब यार ये भीग नहीं दे रहा था और भाई मैं 2 रिलोड कर चुका था, लेकिन फाइनली उसको आराम से फिनिश कर दिया। अब गिनती के भाई 3 बंदे बच रहे थे और ये रंगबाज लोग थे। मैं भी बताता हूँ क्यों। देखो जब हम यहाँ से निकले ना तो हमको पता नहीं था यहाँ पर बंदे हैं, इन्होंने हमको फायर करके बुलाया। पहला तो ये कि बंदे लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। फिर दूसरा ये कि देखो हम पे एबिलिटी मारने की कोशिश हुई। हमने कहा हल्के में ले रहे हो, तो हम भी गाड़ी ले गए और हॉर्न बजा दिया। अब तुमको एक चीज़ बता दूँ, मैं ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करा और फील भी करा है। तुम्हारे पास अगर एक गाड़ी घूम रही हो ना तुमको कम डर लगेगा, लेकिन अगर वो हॉर्न बजा देना भाई फट जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब हॉर्न बजा देना तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये बंदे खतरनाक हैं, ट्रोल कर रहे। वेल हमने किया भी इनको ट्रोल, इजी 1v2। तो भाई देखो एबिलिटी अगली बार किसी और के ऊपर यूज करना, हमारी गाड़ी पे नहीं। वैसे अगर हमारी गाड़ी पे एबिलिटी मार देते तो क्या हमारी गाड़ी उछलती, तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। हल जो भी हो अब आखिरी बंदा बच रहा था, इसको ढूंढने में कुछ खास मेहनत नहीं लगी, लेकिन भाई मैंने हक दिया था, मैं नॉक हो गया था, लेकिन बुकी था पता नहीं कि कोई बात ही नहीं खदई इजी चिकन ने।